गैर नबी वली की ये ताकत है तो सारी कायनात के परवरदिगार अल्लाह रब्बुल इज्जत की कुदरत में क्यों नहीं है कि एक पल में अपने महबूब को सारा सफर करा दे। कुरान से साबित है। और फिर हमको यहां से मेरे घर जाना हो तो कोई अगर बाइक वाला ना मिले अभी पैर सलामत है, पैर जा सकते। अगर और कहीं दूर जाना हो कि भाई बंबई जाना हो और कहीं जाना हो तो फिर टू व्हीलर थ्री व्हीलर, और कहीं जाना हो तो फोर व्हीलर ट्रेन से। सरकार करम फरमा दे, अगर मुझको तलब फरमा दे मदीना शरीफ के लिए, हो सकता है कि सरकार करम कर ही दे। आज मेराज का जिक्र है, सरकार इस पर करम फरमा दे मदीना शरीफ ही चला जाऊं। तो मदीना शरीफ जाने के लिए पैदल तो जाऊंगा नहीं, हवाई जहाज से जाऊंगा। सफर जितना अजीम सवारी उतनी अजीम, उतनी तेज रफ्तार। आज अल्लाह ने अपने महबूब का बेमिसाल सफर करवाना था तो सवारी भी ऐसी वैसी नहीं दी, सवारी भी दी बुराक। अब बुराक का आलम यह कि आका फरमाते वो इतनी तेज रफ्तार कि मुंतहाए नजर पर उसकी उसका एक कदम पड़ता था। अब मुंतहाए नजर किसे कहते हैं? यहां जमीन से जमीन पर हमारी निगाह तो कम, लेकिन यहां खड़े रहे ऊपर देख ले तो चांद कितना भी छुपने की कोशिश करे दिखाई तो दे ही जाएगी। रात हो तो सितारे दिख जाए, चांद देखना हो तो चांद दिख जाए। ये मुंतहाए नजर, जमीन से आसमान पे हम देखें तो बुराक अल्लाह की कुदरत से इतना तेज रफ्तार, एक कदम बढ़ावे तो आसमान पर। और ये भी नहीं कि हमारी टू व्हीलर और फोर व्हीलर की तरह उसका शॉक एग्जॉस्ट खराब हो, ढकर ढुकुर खूब मारे। कहती थी ये बुराक से उसकी सबुक रवि, कहती थी ये बुराक से उसकी सबुक रवि, यूं जाइए कि गर्द सफर को खबर न। कैसी थी? आका फरमाते जब ये बुराक चला, ऊपर से नीचे की तरफ जब जाना होता उसका हाल ये था कि नीचे जब से गहराई में जाना होता तो उसके आगे के पैर बढ़ जाते थे, पीछे के पैर छोटे, आगे के पैर बढ़ जाते, पीठ वैसे सीधी की सीधी। और चढ़ाई पर चढ़ता तो आगे के पैर छोटे, पीछे के पैर बड़े हो जाते, पीठ सीधी की सीधी। और इतनी तेज रफ्तार, इतनी सुबुक रफ्तार, यूं जाइए कि गर्दे सफर को खबर न हो। अब पलक झपकने में मुंतहाए नजर पे कदम रखे, इतनी तेजी से चलने वाली सवारी पे जब नबी गए हो तो कम वक्त में सफर किया तो तुम्हारे पेट में मरोड़ क्यों उठा? क्यों कहते तो कैसे गए, कैसे गए? अरे जैसे रब ले गए वैसे गए। और फिर इसके बाद बुराक, बुराक उसे क्यों नाम दिया गया? बुराक लफ्ज बना है बर्क से, बर्क कहते बिजली को, बर्क बिजली को कहते। अब बिजली की तेज रफ्तारी कितनी है? आसमान पर जब हम बिजली देखते हैं बारिश में, जब सावन और भादों में तो बिजली चमकती है, तो एक पल में आसमान के एक कोने से चमकती है, यहां डूबती है वहां, उफक के इधर से उफक के उस तरफ चली जाती है। तो इतनी तेज रफ्तार ये बिजली, ये बर्फ, यहां चमकी वहां पहुंची, पल भर भी नहीं होता पलक झपकने से पहले। अरे मियां, एक बुरा एक बर्क की रफ्तार का आलम यह है। और दुनिया की बर्क ये, इधर बटन दबाओ फुक से जला, उधर बटन दबाओ धर से बुझा। और ये बिजली आती है जिस जगह से, वहां से जब अगर खटका बुझा दो एक पल में पूरे शहर की बिजली गायब। ये बिजली की रफ्तार। अब आसमान की बिजली तो और तेज रफ्तार। जब एक बिजली की रफ्तार का आलम ये, बुराक कहते हैं वो सवारी जिसमें लाखों बर्क समा जाए फिर भी वो सलामत है। लाखों बर्क, लाखों बिजलियां जिसमें समा जाए, जब एक बिजली की रफ्तार का यह आलम है तो जिसमें लाखों बिजलियां हो उसकी रफ्तार का आलम क्या होगा? अब
फिर मेरे आका की बेमिसाली, अभी आप ही को मैं कहूं कि जरा इसका एक वायर है इसको जरा जोड़ दो, कहेंगे कि पहले उसको हाथ में कुछ पहन ले दस्ताना या खटका बंद कर दे, ये तो अभी करंट लगेगा। जगह जगह हम आजकल तो जमीन में देख रहे हैं पत्थर गले हुए हैं, इतने इतने वोल्ट का करंट है, इतने वोल्ट का करंट है, वो हड्डी है दो खोपड़ी बनाई जाती है, खतरा डेंजर बार। अरे मियां ये मामूली सी दुनिया की बनाई हुई हमारे हाथों की बनाई बिजली हम अपने हाथों से ना छू सके, और मेरे आका उस बुराक पे बैठे हैं जिसको अंदर लाखों बिजलियां हैं, मेरे आका के माथे पे पेशान पसीना भी नहीं आ रहा। कितनी ताकत और कुव्वत होगी अल्लाह ताला ने अपने महबूब को अता फरमाई होगी। और अगर हम अपनी धुनकी में जा रहे हैं कोई यहां से गुजरे सलाम करे तो बसा औकात हम सलाम का जवाब भी नहीं दे पाते, मजबूरी है धुनकी में है, तेज रफ्तार सवारी पे है तो जाते हैं तो कोई खड़ा है कोने पे देख भी नहीं पाते कोई वहां से गुजरा। अब कभी ऐसा भी होता है कि कोई अपनी दुकान में बैठा मोबाइल ही में मस्त है, हजरत भी वहां से गुजर जाए तो कौन देखने को बैठता, जो अपनी मस्ती में है कौन देखे। कहने का मकसद यह कि तेज रफ्तारी से गुजरो तो दिखने वाला दिखता है पहचान में नहीं आता, लेकिन मेरे आका की निगाह नाज इतनी तेज रफ्तारी से बुराक पे चल रहे हैं और देख रहे हैं उतनी दूर कि हजरत कब्र है तो किसकी है, कब्र में कौन है, कब्र में जो है वो लेटा है कि बैठा है कि खड़ा है, अगर खड़ा भी है तो खड़ा है तो क्या कर रहा है। कहा मैंने हजरत मूसा को अपनी कब्र में नमाज पढ़ते हुए देखा, और कोई गैब क्या तुम से नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुमको करोड़ों दिन। यह है मेरे आका की शान। और फिर जब जमीन से जमीन पर चले तो ऐसे बुराक पे तो तेजी से गए आए तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता, तुम्हें क्या शिकायत। फिर उसके बाद चले हैं तो फरिश्तों के बाजुओं पे जो हजरत इब्राहिम हजरत इस्माइल की गर्दन पर छुरी चली, खाली लगी चली नहीं, चलने से पहले सातवें आसमान से नीचे आ गया। ऐसे फरिश्तों के बाजुओं पर सरकार जमीन से पहले आसमान तक गए तो बताओ इतनी तेज रफ्तार सवारी पे गए, और फिर आसमानों की सवारी नूर की सवारी, आसमान खुद कदमों में बोसा देने आ रहा, सिर्फ एक कदम रखे तो पहले आसमान से दूसरे आसमान पर, जबकि फासला पहले और दूसरे आसमान के बीच 500 साल का। आका फरमाते हर दो आसमान के बीच में 500 साल का फासला, 500 साल तक तेज रफ्तार सवारी पे दुनिया की तेज रफ्तारी पर सवारी पे चले तो चले वो सवारी आका के कदमों का बोसा लेने खुद आवे, इतनी तेज रफ्तारी से जाए और आए। तो मियां जब इतनी तेज रफ्तारी से सवारियों का इंतजाम अल्लाह ने किया फिर भी तुम कहते हो कि कैसे गए कैसे गए, मेरे आका ने कभी ये नहीं कहा कि मैं गया, अल्लाह के नबी ने जब भी कहा तो मेरा खुदा नहीं गया, मेरा खुदा नहीं गया। इसलिए अब जाने वाले पे इतराज मत करो, एक बच्चा कहे कि मैं हरम गया, एक बच्चा कहे कि मैं दिल्ली गया, आगरा गया, आगरा में ताजमहल देखा, आगरा में अकबर का मरघट देखा, मैंने इतमादुद्दौला का मकबरा देखा, मैंने शेख सलीम चिश्ती का आस्ताना देखा। उस बच्चे की बात पर हम इतराज कर सकते, शक कर सकते, पता नहीं देखा कि नहीं देखा, कहीं गया होगा घूम के आ गया, कहा ये देखा वो देखा वो देखा, लेकिन उसके स्कूल का प्रिंसिपल बोले मैं गया मैं ले गया मैं दिखाया, तो अब उसके देखने पर इतराज नहीं, क्यों नहीं कि दिखाने वाला खुद गवाही दे रहा। महबूब खुद नहीं कहते कि मैं गया, रब कहता है मैं ले गया। अब मेराज पर इतराज करना नबी पर इतराज नहीं, नबी पे इतराज तो बाद में, इतराज तो पहले खुदा पर कि खुदा कैसे ले गया। अरे खुदा वो है इन्नल्लाह अला कुल्ल शैइन कदीर, बेशक अल्लाह हर मुमकिन पे कादिर है, अल्लाह हर चाहे पे कादिर है, हर मुमकिन पे हर चाहे पे कादिर है। जब अल्लाह कादिर है तो ले गया, वो ले गया तो तुम्हारे पेट में मरोड़ क्यों उठा। एक और आखिरी बात अर्ज कर दे, पढ़े लिखे लोग बहुत थे, अगर से सब देर से आते हैं तो क्या है, तो पढ़े लिखे फलासफा कहते हैं कि सरकार का ये जमीन से आसमानों पे जाना
ये बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है। क्यों? इसलिए कि आसमानों के ऊपर जब जाओ कुछ किलोमीटर तक हवा, उसके ऊपर खला है, उसके ऊपर एक जमहरीर है, कुरैन जमहरीर यानी इतनी ठंडी, इतनी ठंडी, इतनी ठंडी, इतनी ठंडक कि वो बिलो कितने हजार डिग्री है उसका कोई हिसाब नहीं कर सकता। तो वहां से जो भी जाएगा जम जाएगा। और उसके ऊपर है कुरैन नार, कुरैन नार यानी आग का एक हलका, राग के हलके में से जो भी जाएगा जल जाएगा। कैसे गए? कुरैन नार से कैसे गुजरे? कुरैन जमहरीर से कैसे गुजरे? एक साहब थे जौनपुर के, इसी तरह की बकबक बकबक कर रहे थे। वहां पर एक अल्लाह वाले थे, उन्होंने कहा कि एक दिन मेरे पास ले आओ, मैं बता दूंगा। एक बार ले आओ, मैं बता दूंगा कैसे गए। वो गया, फलसफी था, अल्लाह वाले की बारगाह में गया। पहले उलमा के पास जाता था, दलाल देते थे, इल्मी दलाल देते थे, नहीं मानता था। हजरत ने क्या किया कि फौरन एक मोमबत्ती या चिराग जलाए और ये रुमाल लिया, रुमाल में से एक कच्चा धागा ऐसे निकाला और धागे को यूं पकड़ दिया और पकड़ के जो चिराग की लौ थी उस लौ के पास से तेजी से आगे पीछे करने लगे। धागा नहीं जला। कहा ये धागा जला? कहा हजरत आप भी मजाक करते हैं, कैसे जलेगा? अरे आग को जलाने के लिए कुछ वक्त तो लगेगा, आप तो इतनी तेजी से आगे पीछे करते हैं, आग जला नहीं पाती, गुजर जाता। तो क्या हजरत ने फरमाया, तो क्या अल्लाह ताला की कुदरत इससे बईन है कि अपने महबूब को इतनी तेजी से ले गया, इतनी तेजी से ले गया, आग मुंह देखती रही, साका गए भी वो, आए भी वो, आग कुछ कर ही नहीं सकी। एक तो ये मिसाल, और आज के साइंस की मिसाल दू तो आज भी दुनिया में एक तबका वो है जो माहरीन है, उन माहरीन को 24 घंटे माहरीन को तैयार रखा जाता, कहीं आतशफशा वगैरह फूट रहा हो तो उन आतशफशाओं की रोकथाम के लिए कुछ लोगों को मुतय्यन करके, दुनिया की हुकूमतें हैं, उसका पूरा निज़ाम है, उनके लिए ऐसे लिबास बनाए गए हैं कि जिस लिबास को वो पहन ले तो दुनिया की कोई आग उन पर असर नहीं करती। ये साइंस की बात है। आज का इंसान, आज का काफिर और मुशरिक साइंटिस्ट ऐसे लिबास बना सकता है कि आतिशफशा में कूद जाओ या कितनी भी आग में कूद जाओ तो वह लिबास असर नहीं, लिबास पर आग असर नहीं करती, तो क्या खुदा की कुदरत से ये बईद नहीं कि बगैर आम लिबास के अल्लाह अपने महबूब को वो जन्नती लिबास अता फरमा दे कि सरकार को जहां से चाहे गुजार दे, सरकार पर कोई मौसम असर न करे। ये खुदा की कुदरत है। कहने को बहुत कुछ है, मेराज पर जितने इतराजात हो लाओ, इंशाअल्लाह मस्तक आला हजरत के हम मानने वाले, हम इमाम अहमद रजा के गुलाम, इमाम अहमद रजा हमारे उलमाए अहले सुन्नत की जूतियां सीधी करके उनके खिलाए हुए चमन से एक एक फूल निकाल कर हम साबित करेंगे कि नबी पाक साहिब लौलाक की मेराज हक है, हक है, हक है। अल्लाह ने अपने महबूब को सफर मेराज कराया। सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहू हुवस समीउल बसीर। अब वो सफर भी ऐसा सफर कि जब रब ने अपना दीदार कराया तो एहसान से कराया, मा ज़ागल बसर वमा तगा, जलवा करीब हुआ और करीब हुआ, इतना करीब जैसे दो कमान या उससे भी कम। और जब जलवा करीब हुआ तो न नजर बहकी, न नजर हटी, न पलक झपकी, आका करीम की पलक भी नहीं झपकी, नजर भी नहीं हटी, ऐसा दीदार हुआ। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसा दीदार कराया। इसीलिए बरेली के ताजदार ने कहा, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। अब मेरा तो ईमान कहता है आका करीम अपने मरकद मुनव्वर से आज भी जलवा बार होकर मुलाहिजा फरमा रहे हैं कि उनकी मेराज पर, उनकी शान पर, उनकी अजमत पर, उनके खुदा की कुदरतों पर, उनके गुलाम
यहां बैठकर जिक्र अस्कार सुन सुना रहे हैं और सरकार कबूल फरमा ले तो इंशाल्लाह सलातो सलाम के लिए हमें वहां भी बुला लेंगे। जब वहां जब हम सलाम के सलातो सलाम पेश करेंगे तो आओ उसके पहले यही खड़े होकर सलातो सलाम। पेशकश हमारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप जरूर हमें अपने कमेंट से नवाजें, मजबूत बातें हमें अता करें, अगर हम कहीं गलती करें तो उससे भी आप हमें आगाह करें, जो हमेशा मैं आपको याद दिलाता हूं। अब भी आप तवज्जो फरमाएं, नवाजिश होगी, आप मेमारे मिल्लत चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। लाइक करने से नाजरीन ये होता है कि यूट्यूब चैनल इस क्लिप को, इस वीडियो को दूसरे व्यूवर्स तक फॉरवर्ड करता है, तो लाइक करेंगे तो एक अच्छी बात हम दूसरे तक पहुंचाने का नेक काम करेंगे और मेमारे मिल्लत चैनल को भी ग्रोथ आनी चाहिए। सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक भी जरूर करें और हो सके तो शेयर भी करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।